स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मायरा क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूवर्ड। तो क्यूब एंड क्यूवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एनटीएससी में स्पेशली यहाँ से काफ़ी 3 और 4 5 क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पुट करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूवर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब इज अ 3D ऑब्जेक्ट। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। 3D क्या है बच्चों? पहले जो कंसेप्ट था वो 2D का था, जिसमें दो एक्सिस होंगे एक्स और वाई, लेंथ और ब्रेथ। अब जो नया कंसेप्ट आया है बच्चों वो है 3D। 3D मीन्स एक्स वाई जेड, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जो 3D का कंसेप्ट है ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो जाएगा 90 डिग्री पे जेड एक्सिस, सभी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, और तीनों ही क्या होंगे बच्चों? तीनों ही इक्वल होंगे। लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 5 होगी, हाइट भी 5 होगी। जैसे स्क्वेयर, स्क्वेयर की सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल। ऐसे जो क्यूब है उसकी भी क्या होंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ क्यूब एंड क्यूबॉइड से बच्चों आपको सबसे पहले 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। फर्स्ट टाइप होगी इसमें कटिंग ऑफ क्यूब्स। सेकंड केस बनेगा बच्चों कलरिंग ऑफ क्यूब्स। और थर्ड क्वेश्चन पूछेगा बच्चों एग्जामिनर काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। सबसे पहले हम क्यूब्स को कट करना सीखेंगे, उसके बाद हम उसको कलर करेंगे सेम या डिफरेंट कलर से, उसके बाद हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन होंगे क्यूब्स या फिर क्यूबॉइड्स, उसकी हम काउंटिंग देखेंगे, उसको काउंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका फिगर देखिए। यह हो जाएगा स्क्वायर कह लीजिए या क्यूब कह लीजिए। फ्रंट से देखने पर आपको क्यूब के कितने सरफेस विजुअल होंगे? तो बच्चों यहां आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। फ्रंट से देखने पर आपको 3 सरफेस विजुअल होंगे, 1 2 3, ठीक है। और जो 3 सरफेस हैं वो इनके हिडन होंगे। जैसे ये टॉप सरफेस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉटम। ये फ्रंट सरफेस है, इसका अपोजिट होगा एक बिहाइंड। ये आपका लेफ्ट साइड है तो एक इसका अपोजिट क्या होगा? राइट साइड। तो सबसे पहले आप इसका 3D व्यू भी देख सकते हो। अगर आपको सभी सरफेस को देखना है तो आप देखिए यहां से, ये आपको सभी सरफेस विजुअल हो जाएंगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो 6 है, 1 एक नीचे वाला, 2 ये इस साइड वाला, 3 इधर, 4 पीछे वाला, 5 और फ्रंट वाला 6। तो सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ सरफेस, तो सरफेस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 6। किसी भी क्यूब में टोटल नंबर ऑफ सरफेस आपसे पूछे जाए तो क्या होंगे? 6 होंगे, सरफेस कह लो या फेस कह लो। उसके बाद आता है एज, टोटल नंबर ऑफ एज। एज क्या है? जहां पे 2 सरफेस आकर मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड सरफेस यहां मिले हैं तो ये क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखिए जो एज है वो कितने होंगे टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सा रह गया बच्चों? ये हो गया 12, ठीक है। टोटल क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसके अंदर टॉप हो गए आपके 4, बॉटम में हो गए 4, 8 और 2 इधर और 2 इस तरफ, तो टोटल नंबर ऑफ एज हो जाएंगे 12। थर्ड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर। कॉर्नर क्या होंगे? जहां सभी एज मिलेंगे, जो वर्टेक्स है कॉर्नर, जैसे रूम के आप कॉर्नर देख सकते हो, जहां हाइट ब्रेथ और लेंथ आकर मिलेंगे वो कॉर्नर होंगे। तो इसमें आप चेक करो, 1
8, ये 8 हो जाएंगे कॉर्नर्स। तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होंगी। उसके बाद देर आर 6 सरफेस, 12 एज एंड 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। अब बात करते हैं हम कटिंग की, कि हम इसको सबसे पहला जो हम कंसेप्ट करेंगे आज वो कंसेप्ट रहेगा हमारा कटिंग, कटिंग ऑफ क्यूब। देखिए आपको एक 15 सेंटीमीटर की लेंथ गिवन है और इसको आपने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, थ्री इक्वल पार्ट्स में। तो बच्चों वन पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/3 क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। एक केस और देखिए, आपको 20 सेंटीमीटर को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वन पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले केस में आपने देखा कि 15 सेंटीमीटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर है, इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी, 5 सेंटीमीटर। दूसरे में हमने देखा कि फोर पार्ट्स बनाए, ये फोर पार्ट्स हो गए और वन पार्ट की वैल्यू यहां भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से दो चीजें हमारे सामने आई, एक तो होगा पीस या फिर पार्ट कह लीजिए और एक होगा कट। यहां भी ऐसे ही पीस और कट। तो फर्स्ट केस में देखिए आपको नंबर ऑफ पीसेस कितने मिले, जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, 1, 2, 3, 3 पीस हो गए हमारे। और इस केस में 1, 2, 3, 4, 4 पीस हो गए। लेकिन नंबर ऑफ कट्स की हम बात करें, जब आपने इस 15 सेंटीमीटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपने इसको कट किया, तो आपने एक तो यहां से कट किया 1 और एक यहां से कट किया 2। जैसे ही आप यहां से कट करोगे थर्ड पार्ट तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ कट क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही यहां पे नंबर ऑफ कट्स क्या हो गए, 1, 2, 3 क्या हो गए, 3। तो पॉइंट क्या बनता है बच्चों, नंबर ऑफ कट इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ पीस। अगर आपके 3 पीस हैं तो 2 कट होंगे, 4 पीस बनते हैं तो कट कितने होंगे, 1 कम होगा, 3। ऐसे ही आपके मान लीजिए अगर 10 पीस बन रहे हैं तो नंबर ऑफ कट क्या होंगे बच्चों, 9 होंगे, क्योंकि 9वां कट लगाते ही 10वां पीस तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। अगर आपके 15 पीस हैं तो कट क्या होंगे, 14। अगर आपके 20 पीस हैं तो कट क्या होंगे, 19। तो इसी बिहाव पे अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास एक बिग क्यूब है, इस बिग क्यूब को हमने स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है और जो टोटल स्मॉल क्यूब्स होंगे वो होंगे 27। इस बिग क्यूब को 27 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे यहां से हम कट कितने लगाएंगे, कितने कैसे हम इसके पीस बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए जो टोटल क्यूब होगा वो होगा बच्चों एन क्यूब। टोटल क्यूब क्या होगा, एन क्यूब। एन क्यूब कहां से आया, जब हम इस क्यूब का एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स लेंथ को अगर हम एन मान के चले तो ब्रेथ भी क्या होगी एन और हाइट भी क्या हो जाएगी एन, क्योंकि तीनों के तीनों डायमेंशन क्या है, सेम। तो एन इंटू एन इंटू एन क्या बनेगा, एन क्यूब। टोटल क्यूब्स क्या होंगे, एन क्यूब। हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल क्यूब्स हो जाएंगे एन क्यूब। अब यहां बात आती है कि एन सर एन है क्या, अगर एन को हम देखें तो एन क्या है बच्चों, देखिए नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द साइड ऑफ बिग क्यूब, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द साइड ऑफ बिग क्यूब। कि जो बड़े क्यूब की जो एक साइड है वो चाहे आपकी लेंथ हो ब्रेथ हो या हाइट हो, उसको हम कितने डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम कितने डिविजन्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि जो एन क्यूब की वैल्यू है, टोटल क्यूब, एन क्यूब हमें क्या गिवन है, 27, टोटल क्यूब क्या गिवन है, 27। तो यहां से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोथ साइड हम क्यूब रूट करेंगे, बोथ साइड हम क्यूब रूट करेंगे, क्लियर है। ठीक है, तो यहां क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई,
थ्री। अब ये एन क्या है हमारे पास, आपको बताया नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द साइड ऑफ बिग क्यूब, कि बिग क्यूब की जो एक साइड है उसको हम कितने डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपका ये लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो क्या हो जाएगी n, और यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी आपने देखा था कि जो नंबर ऑफ कट होंगे वो क्या होंगे, पार्ट्स से पीसेस से एक कम होगा। अगर हम इस लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 2 कट हो गए, तो यहां से आप इसको काट दो। क्लियर है आप सभी को, आपने इसको यहां से 2 टाइम्स कट कर दिया, तो लेंथ देखिए आपका 1 2 3, एन की वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीट 3 हो गई। अगर आपकी लेंथ 3 है तो हाइट और ब्रेथ भी कितनी होगी, 3 होगी, 3 सेंटीमीटर कह लीजिए या 3 मीटर कह लीजिए इसको आप, ठीक है। अब जो ये लेंथ है, लेंथ हो गई, अब जो ये ब्रेथ है इसके भी हमने 3 सेक्शन बनाने हैं, तो नंबर ऑफ कट्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ कट्स, ये हमने इसको 2 बार काट दिया यहां से। क्लियर है। अब जो हाइट है, हाइट के भी कितने सेक्शन बनेंगे हमारे, 3 सेक्शन। ये जो हाइट है इसके हमने 3 सेक्शन बनाने हैं, तो हम इसको बीच में से 2 बार काटेंगे, एक कट यहां लगा देते हैं, एक कट ये, तो 2 टाइम्स हमने इसको कट कर दिया। क्लियर है बच्चों आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपको n गिवन हो तो आप क्यूब को कट कर सकते हैं। तो यहां से आपने क्या पॉइंट सीखा कि अगर हमें n गिवन है, मान लीजिए n की वैल्यू आपको 5 गिवन है, n की वैल्यू आपको 5 गिवन है, गिवन होगा ये आपको, तो टोटल क्यूब्स आपसे पूछ ले तो क्या होगा, n क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब क्या बन जाएगा, 125, 5 × 5 × 5। अगर आपको n क्यूब गिवन है, मान लीजिए n क्यूब आपके पास 216 है और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर n की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो इट मींस नंबर ऑफ कट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कट, ये n की वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या थे हमारे पास, 27। n की वैल्यू 3 का मतलब है कि हमने सबसे पहले लेंथ को 3 सेक्शन बनाए, उसके बाद ब्रेथ के 3 सेक्शन बनाए, और फिर जो हाइट है उसके भी 3 सेक्शन बनाए। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, जैसे पहला क्वेश्चन टोटल क्यूब्स तो है ही 27, दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि टोटल कट्स, टोटल कट क्या होंगे, इसके अंदर जो क्यूब को हमने स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया है इसमें टोटल कट कितने होंगे। तो बेटा यार टोटल कट आपको 2 आंसर नहीं देना, 2 आंसर नहीं देना, 2 कट तो आपके हो गए लेंथ पे, देखो ये हो गए 1 2, 2 कट आपके हो गए ब्रेथ पे 1 2, और 2 कट हो गए आपके हाइट पे। तो टोटल नंबर ऑफ कट होंगे इस डायग्राम में वो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई होप क्लियर है आपको ये, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपको क्यूब्स में आपने डिवाइड किया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स हैं, जिसके कुछ के तो एक सरफेस विजुअल होगा, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिसके 2 सरफेस विजुअल होंगे, और कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिसके 3 सरफेस विजुअल होंगे, कोई क्यूब ऐसा भी होगा जिसका 0 सरफेस विजुअल होगा, कोई भी सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम इस क्यूब की बात करते हैं, इस क्यूब को आप ध्यान से देखिए, इस क्यूब की हम बात करें तो ये एक सिंगल क्यूब है जिसके 3 सरफेस हैं, 1 2 3, ये एक सिंगल क्यूब है जिसके आपको 3 सरफेस विजुअल दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो 3 सरफेस हैं वो दूसरे क्यूब को टच कर रहे हैं, जैसे पीछे वाला सरफेस इस क्यूब को टच करेगा, इधर वाला सरफेस इस क्यूब को टच करेगा, और नीचे वाला सरफेस इस क्यूब को टच करेगा। तो जो ये क्यूब है इसके आपको कितने सरफेस दिखाई दिए, इसके आपको 3 सरफेस दिखाई दिए, तो कितने हो गए, 3 सरफेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस क्यूब को देखेंगे तो इसके आपको 1 2 कितने सरफेस विजुअल है, इसके आपको 2 सरफेस विजुअल है,
ठीक है, आप इस क्यूब को देखिए, इस क्यूब का आपको कितना सरफेस दिखाई दे रहा है, इस क्यूब का आपको वन सरफेस विजुअल है, ठीक है। तो यहां ऐसे कुछ क्यूब्स बने जिसके टू थ्री या फिर वन सरफेस विजुअल होगा। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो क्यूब है, ये वाला क्यूब है, इसके कितने सरफेस विजुअल हैं। तो बेटा आप कहेंगे सर टू, वन टू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्यूब को आपने एज्यूम करके चलना है, इसको आपने रोटेट भी करना है कि सर जैसा ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये इधर से भी ऐसा ही दिखाई देगा, नीचे से भी ऐसा ही दिखाई देगा, पीछे से भी ऐसा ही दिखाई देगा। यानी कि जो हमने बात की थी क्यूब के टोटल सिक्स सरफेस होंगे, वो छह के छह सरफेस आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि जो कट है वो तो सभी सरफेस के ऊपर लगे हैं ना, जैसा फ्रंट से है वैसा ही पीछे से, जैसा लेफ्ट से वैसा राइट से, जैसा टॉप से वैसा ही बॉटम से। तो आप देखिए ये जो क्यूब है वन टू और एक इधर वाला सरफेस, आपको अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट से तो दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेटा जब आप इसको रोटेट करेंगे तो दिखाई तो ये भी देगा ना आपको। इट मींस वन टू और एक ये साइड वाला कितने विजुअल हो गए, थ्री। तो इसके विजुअल हो गए थ्री। ऐसे ही इस क्यूब की बात करते हैं, इसके भी आपको एक दो और एक ये पीछे वाला कितने विजुअल होंगे, तीन। अब इस क्यूब की बात करते हैं, वन टू और एक ये पीछे वाला, इसके भी आपको थ्री विजुअल होंगे। इस क्यूब की बात करते हैं, वन एक बॉटम और एक पीछे, इसके भी आपको थ्री सरफेस दिखाई देंगे। ऐसे ही वन टू और एक नीचे वाला, इसके भी आपको थ्री सरफेस दिखाई देंगे। और इसकी बात करते हैं, वन एक साइड वाला एक नीचे वाला, इसके भी आपको थ्री सरफेस दिखाई देंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको थ्री सरफेस पेंट, जैसे हमने बात की थी क्यूब में कि जो जैसे हमने डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे जो कॉर्नर्स होंगे क्यूब में वो कितने होंगे, एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने कॉर्नर्स होंगे, एट कॉर्नर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्री फेस की, कि जो थ्री फेस क्यूब है वो कहाँ प्रेजेंट होगा। तो आप इस क्यूब में देखिए थ्री फेस कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर। तो आप क्या कहेंगे, थ्री फेस कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा कॉर्नर में, ठीक है। अब आप देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हो गए, सेवन। एक कॉर्नर आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो कौन सा होगा, जो इसके पीछे वाला कॉर्नर है, ठीक है, या फिर आप कह लो इसके जो डायगोनली अपोजिट होगा ना, यानी कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला एट्थ कॉर्नर, ये आपको इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलेंगे वो एट्थ कॉर्नर और है, जो कैसा होगा, थ्री फेस विजुअल होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो थ्री फेस है वो कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे। अब बात करते हैं बच्चों टू फेस की, टू फेस। तो आप यहां देखिए टू फेस, जैसे आपने देखा ये वाला जो कॉर्नर सॉरी जो क्यूब है वो कितना है, टू फेस। ऐसे ही ये जो वन टू, तो ये भी क्या हो गया, टू फेस। इसको देखिए वन टू, ये हो गया टू फेस। इसको देखिए एक तो ये हो गया और एक नीचे की तरफ हो गया, तो ये भी क्या हो गया, टू फेस। ऐसे ही ये जो है एक इस तरफ है फ्रंट में और एक साइड में, टू फेस। ये भी आपका हो जाएगा टू फेस, टू फेस, और ये भी टू फेस, और ये बच गया फ्रंट और ये नीचे वाला, ये भी क्या हो गया, टू फेस। तो आप देख सकते हैं कि जो टू फेस की पोजीशन है, जैसे इस टू फेस को देखो, ये कहाँ है बेटा, जहां दो सरफेस आके मिल रहे हैं, तो इट मीन्स जहां दो सरफेस मिलते हैं वो क्या होगा, एज। तो टू फेस की पोजीशन क्या है, एज। ये भी क्या है, एज, किनारा कह लो आप इसको, किनारी के ऊपर है। ये वाला भी कहाँ है, एज पे। तो टू फेस पेंट की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी ये सब डिपेंड करता है कि आप उसको कलरिंग कैसे करते हैं, हम यहाँ बात कटिंग की कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन फेस, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों वन फेस, कि जो वन फेस है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो आपने देखा जो वन फेस है, ये हो गया वन फेस, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो ये वाला वन फेस है, वन फेस आपको दिखाई दे रहा है। इस तरफ देखिए ये जो है वन फेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो वन फेस है, अगर हम इस फ्रंट सरफेस की बात करें तो इसके अंदर ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वन सरफेस है, वन फेस दिखाई दे रहा है आपको। इसका भी वन फेस दिखाई दे रहा है, यहां भी वन फेस दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि जो वन फेस है वो कहाँ होगा, वो होगा सरफेस के ऊपर। वन फेस कहाँ होगा बच्चों, सरफेस के ऊपर।
तो यहां आप देख सकते हो, अगर मैं इस डायग्राम में आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में बताइए वन फेस विजिबल कितने क्यूब होंगे, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3। 3 नहीं बेटा, 6 होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वन फेस है वो, अगर मैं इस फ्रंट सरफेस की बात करूं तो फ्रंट सरफेस में कितना है, एक, कितना है, एक। ऐसे ही एक हो गया आपका टॉप सरफेस में, और एक हो गया आपका जो साइड वाला सरफेस है। तीन तो आपको विजुअल है, और तीन हो जाएंगे इनके अपोजिट। ये है तो इसका अपोजिट होगा, एक फ्रंट है इसका भी अपोजिट होगा, एक लेफ्ट साइड है इसका अपोजिट राइट साइड हो जाएगा। तो टोटल इसके अंदर जो वन फेस है वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और हमारे क्यूब के अंदर सरफेस कितने होते हैं, 6। यहां आप देखिए एक सरफेस पे एक है, तो 6 सरफेस पे 6 हो जाएंगे वन फेस विजुअल। अब बात करते हैं टू फेस की। तो आपने देखा था कि जो टू फेस है, टू फेस कहाँ होगा, एज पे, और टोटल नंबर ऑफ एज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एज कितने होंगे, 12। अब आप किसी भी एक एज को उठा लो, मान लो ये एज है, इस एज के ऊपर टू फेस कितना है, एक, एक एज के ऊपर कितना है, एक, तो 12 एज के ऊपर टू फेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12। अब बात करते हैं थ्री फेस की। थ्री फेस कहाँ होंगे, कॉर्नर पे। और इस रूम की बात करें हम, क्यूब की बात करें, तो किसी भी रूम में या क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, तो बेटा कॉर्नर है वो फिक्स होंगे। कॉर्नर कितने होंगे, 8। अब आप देखिए एक कॉर्नर के ऊपर एक है थ्री फेस, तो 8 कॉर्नर के ऊपर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट था कटिंग ऑफ क्यूब, कि क्यूब को हम कट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अ बिग क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, बिग क्यूब की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेसेस। एक बड़ा क्यूब है और उसके जो 6 सरफेस हैं सभी को ब्लैक पेंट किया, उसके बाद उसको स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया, और स्मॉल क्यूब्स की साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जैसा उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा है, टोटल क्यूब 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 0 फेस, क्योंकि अलग अलग फेस पेंट होंगे। यहां हमने देखा था अब तक टोटल क्यूब्स क्या होंगे, एन क्यूब, और एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द साइड ऑफ बिग क्यूब, कि बड़े क्यूब की साइड पे हम कितने डिविजन्स में उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन हम बड़े क्यूब की साइड जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इट मीन्स हम एन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिख लो, एन क्या है, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। एन में से, इन तीनों में से आपको दो चीज गिवन होगी, एन एन इज इक्वल टू साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आपको दो चीज गिवन होगी, तो थर्ड है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम एन को फाइंड आउट करेंगे, तो एन क्या हो जाएगा, साइड ऑफ बिग क्यूब, बिग क्यूब की साइड क्या है, 4, और स्मॉल क्यूब की साइड क्या है, 1, तो 4/1, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, कि जो हम क्यूब बनाएंगे, ये हम क्यूब बना रहे हैं, ये जो हमने क्यूब बनाया बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 4 में डिवाइड करेंगे। एन 4 मीन्स क्या होगा, कि ये जो एक लेंथ है, एक लेंथ है, इसको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो यहां से जो कट हो जाएंगे, कट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप इसको 3 कट्स में डिवाइड कीजिए, 1, 2, 3, इस टाइप से आप डायग्राम को बनाएंगे। क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद डायग्राम बनाइए। अगर आपकी डायग्राम पे अच्छी पकड़ है तो क्वेश्चन में आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। अब देखिए हमने इसको 4 पार्ट्स में कर लिया ना डिवाइड, क्योंकि एन की वैल्यू 4 थी, तो कट कितने हो गए, 3 हो गए, एक कम हो जाएगा। अब जो ये आपकी ब्रेथ है इस पे भी 3 कट लगाइए, फिर अब जो ये हाइट है इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने क्या किया कि
कि जो ये बिग क्यूब था इसकी साइड क्या थी, आपने देखा 4 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया जिसकी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ना 1, 2, 3, 4, पूरी की साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने सबसे पहले एन को निकाला, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी एन क्या आ गया 4। अगर एन 4 है तो हमें पता लग गया कि उसके लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें एक डायमेंशन पे 3 कट लगाने पड़ेंगे। तो यहां से अगर आपसे ये भी पूछ ले कि टोटल कट्स क्या होंगे इस फिगर में, टोटल कट क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं 3 लेंथ पे, 3 ब्रेथ पे और 3 हाइट पे टोटल कट क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए। अब वो कहता है कि इस पूरे ब्लॉक को हमने क्या करना है, ब्लैक पेंट करना है। जो 6 सरफेस हैं सभी को हमने ब्लैक पेंट कर दिया। तो जैसा हमने देखा था कि एक बार रिवाइज करते हैं, ये क्यूब कितना फेस होगा, 3 फेस, ये 2 फेस, ये 1 फेस, ये 2 फेस, ये वाला 2 फेस, ये वाला 3 फेस, ये 1 फेस और ये 2 फेस। ऐसे ही इसकी बात करें तो 2 फेस, ये भी 2 फेस, ये 1 फेस। ठीक है, तो यहाँ 1, 2 और 3 फेस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, जो कॉर्नर है वो 3 फेस, जो एज है वो 2 फेस, जो सरफेस है वो 1 फेस पेंट होंगे। ठीक है, तो आप देखिए अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछता है कि टोटल क्यूब्स क्या होंगे। तो टोटल क्यूब्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन क्यूब, और हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 4। तो एन क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, एन क्यूब क्या हो जाएगा 64, यानी कि 4 × 4 × 4 = 64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फेस पेंटेड कितने हैं। अगर हम इस पूरे को ब्लैक पेंट करेंगे तो इसमें से हमें ऐसे क्यूब्स देखने हैं जो वन फेस पेंट होगा। ठीक है, तो वन फेस पेंट के लिए बच्चों हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे सरफेस को, किसी हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे। अगर हम टॉप सरफेस की बात करें तो टॉप सरफेस में जो वन फेस पेंट है होंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 क्यूब ऐसे होंगे जो वन फेस पेंट होंगे। टॉप सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, कितने होंगे 4 होंगे। ऐसे इधर देखो 1, 2, 3, 4, इस पे भी 1, 2, 3, 4, सभी पे आपको नहीं देखना, क्योंकि अगर टॉप सरफेस पे 4 हैं, टॉप सरफेस पे आपके 4 क्यूब ऐसे हैं जो वन फेस पेंट हैं, तो ये तो दिखने में 6 के 6 सरफेस सेम होंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर एक सरफेस पे 4 हैं और टोटल सरफेस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस हमारे कितने हैं 6, तो 4 × 6 हमारा आंसर क्या हो गया 24। तो 64 में से 24 क्यूब ऐसे होंगे जो वन फेस पेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 फेस पेंट। अब 2 फेस पेंट का मतलब हमें कहाँ देखना है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा एज पे। ठीक है, तो 2 फेस पेंट की हम बात करें, 2 फेस पेंट कौन सा होगा, किसी भी एक एज को उठा लो, मान लो ये वाला जो एज है, इस एज के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, एक तो ये और एक ये, कितने हो गए 2 हो गए, एक एज के ऊपर कितने हो गए 2। अगर इस एज पे 2 हैं तो इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, यहां भी 2 होंगे, यहां भी 2 होंगे, पीछे की तरफ जो एज है उसके ऊपर भी 2 होंगे, क्योंकि क्यूब तो सारा का सारा सेम है ना। ठीक है, तो देखिए एक एज के ऊपर कितने होंगे 2 ऐसे क्यूब है जो 2 फेस पेंटेड है, और टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ एज क्या है 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24। नेक्स्ट देखिए 3 फेस पेंट। 3 फेस पेंट का बच्चों आपको सिंपल बताया था कि 3 फेस पेंट कहाँ होगा, कॉर्नर, ये वाला कितना है 3 फेस पेंट, और कॉर्नर है वो 8 से कम नहीं होंगे, 8 से ज्यादा भी नहीं होंगे। तो जो 3 फेस पेंट है वो होंगे कॉर्नर पे, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8, तो 3 फेस पेंट भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 0 फेस पेंट की, कि इसमें से हमने देखा कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जो 1 फेस पेंट होंगे, कुछ 2 फेस पेंट होंगे और कुछ 3 फेस पेंट होंगे, लेकिन क्या आपको सारे के सारे क्यूब दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसा है ना, आपको पीछे के वालों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आपको रोटेट करके दिखाई दे जाएंगे, लेकिन क्या आपको सारे क्यूब दिखाई दे रहे हैं, जो टोटल 64 क्यूब है, क्या सभी के कोई ना कोई आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो बेटा इसका आंसर है नो। आप इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको विदाउट फॉर्मूला करना है तो आप इसको लेयर्स में डिवाइड कीजिए, हाइट में, जैसे ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, हमने इसके 4 सेगमेंट बना दिए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। ठीक है, अब देखो
सबसे टॉप लेयर में कितने क्यूब्स हैं? 4x4 है ना, 4x4 का मतलब 16 क्यूब हो गए, 16 16 16 16, टोटल हो गए 64। तो जो सबसे टॉप लेयर है इसमें 16 क्यूब में से क्या कोई एक भी ऐसा क्यूब है जिसका एक भी सरफेस ना दिखाई देता हो? तो बेटा इन 16 क्यूब्स में क्या होंगे? कुछ तो ऐसे हैं जिसका एक सरफेस दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे हैं जिसके दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं ये वाले, और कुछ ऐसे हैं जिसके तीन सरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक दो तो, तीन चार। तो इन टॉप लेयर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एक भी सरफेस आपको दिखाई ना दे। अब बात करते हैं सबसे बॉटम लेयर की, कि सबसे नीचे वाले जो 16 क्यूब होंगे 4x4 के, उसमें से भी क्या होगा? आपको ऐसा कोई क्यूब नहीं मिलेगा जिसका एक भी सरफेस दिखाई ना दे। ठीक है, अब बच गए हमारे जो ये बीच वाली दो लेयर है, सेकेंड और थर्ड लेयर। तो सेकेंड लेयर में कौन से क्यूब होंगे? आप देखिए इसको, सेकेंड लेयर में कौन से क्यूब होंगे जो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे? तो वो होंगे बेटा एक दो तीन चार, इन चार के जो नीचे वाले हैं सेकेंड लेयर में। क्लियर हो गया ना, 1 2 3 4, ये तो हो गए टॉप लेयर में। और इसके जो बिल्कुल नीचे वाले होंगे सेकेंड लेयर में, वो ऐसे क्यूब हैं जो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, एक भी फेस दिखाई नहीं दे रहा। तो सेकेंड लेयर में कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात करते हैं थर्ड लेयर में, थर्ड लेयर में कौन से होंगे जो इन चार जो सेकंड लेयर में थे ना, जो ये 1 2 3 4 सेकंड लेयर में है बिल्कुल उसके नीचे वाले, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो आई होप क्लियर है आपको ये। तो आपने देखा टॉप लेयर में सभी क्यूब दिखाई देंगे, बॉटम लेयर में सभी क्यूब आपको दिखाई देंगे, सेकेंड और थर्ड लेयर में इन चार क्यूब के नीचे वाले जो क्यूब होंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 8 क्यूब्स हो जाएंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जीरो फेस पेंट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? इनर सेंटर क्यूब। इनर सेंटर क्यूब, जो क्यूब बिल्कुल अंदर की तरफ है, जो विजुअल नहीं है, उसे हम कहेंगे जीरो फेस पेंटेड या नो फेस पेंटेड, इसको हम कह देंगे इनर सेंटर क्यूब। और हमने देखा है कितने होंगे? 8। लेकिन आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कई बार नहीं मिल पाता कि हम जीरो फेस पेंट को काउंट करें। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है एन माइनस टू होल क्यूब। देखिए मैंने किसी का फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, इन सब का 1 2 3 फेस का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, क्योंकि जो 1 2 3 फेस का फॉर्मूला है वो सब क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं है, वो डिपेंड करता है आप उसको कलर कैसे कर रहे हो या कट कैसे कर रहे हो उसको। ठीक है, आप इसको सिंपल काउंटिंग से करो, लेकिन जो जीरो फेस पेंट है उसको आप इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, एन माइनस टू होल क्यूब। अब देखिए एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एन की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस टू और इसका होल क्यूब। तो 4 माइनस टू क्या हो जाएगा? 2 का होल क्यूब, इट मींस क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो बच्चों हमने देखा कि हमने एक बड़े क्यूब को जिसकी साइड क्या थी 4 सेंटीमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हमारा काम है एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। एन की वैल्यू क्या आ गई? 4। इट मींस नंबर ऑफ कट क्या हो गए? 3। यानी हमने लेंथ को 3 कट्स में डिवाइड किया, ब्रेथ को भी और हाइट को भी। तो टोटल कट कितने हो गए? 3 प्लस 3 प्लस 3 9। अब देखिए जो ये क्यूब्स बने हैं इसको हमने ब्लैक पेंट किया, इसमें से वन फेस को सबसे पहले, टोटल क्यूब एन क्यूब 64। उसके बाद हमने देखा वन फेस पेंट, हमने एक सरफेस को चेक किया, वन सरफेस पे कितने हैं? 4 हैं। टोटल सरफेस कितने होंगे? 6। 4 × 6 = 24। इसके बाद हमने चेक किया टू फेस पेंट, कहां होंगे एज? मान लो ये वाला जो एज है एक एज पे कितने हैं? 2। और टोटल एज कितने होंगे? 12। तो हमारे टोटल टू फेस कितने हो जाएंगे? 24। इसके बाद थ्री फेस पेंट की बात करेंगे तो थ्री फेस पेंट होंगे कॉर्नर पे, ये जो है थ्री फेस पेंट है, और टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। नेक्स्ट है जीरो फेस, जीरो फेस की बात करें तो जो अंदर वाले क्यूब है जिसका सिंगल फेस भी पेंट नहीं होगा, उसका फॉर्मूला लिख लो आप एन माइनस टू होल क्यूब, एन की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, और इसको जीरो फेस पेंट को हम क्या कहें? इनर सेंटर क्यूब। तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे।